बड़ी ईद है और उसकी तैयारियां भी बड़ी होती हैं और लोग जो हैं वो अपनी ईद की तैयारियों में मसरूफ हैं। और इस ईद की जो सबसे अहम बात है, वो ज़ाहिर सी बात है, कुर्बानी होती है। और कुर्बानी का जानवर ख़रीदने के लिए लाहौर में बहुत सी मवेशी मंडियाँ लगाई गई हैं और शाहपुर कांजरा की मंडी जो है वो सबसे बड़ी तसव्वुर की जाती है। वहाँ पर पूरी जो पाकिस्तान है वहाँ से जानवर लाए जाते हैं, सारे जो इलाके हैं अंदरून सिंध है वहाँ से भी यहाँ पर बहुत से ऊँट ले के आते हैं जो व्यापारी हैं। इसके अलावा गाय, बछड़े, दुम्बे और बकरे, पता नहीं क्या क्या कुछ ले के आया जाता है यहाँ पर। तो ये सब चीज़ें जो है वो अंदर जाके हम देखते हैं, पूछते हैं, लोगों से बात करते हैं, बाकी सारा सिलसिला भी देखते हैं। तो चलें जरा। पूरे मुल्क से यहाँ पे जानवर लाए गए हैं और ऊंट भी यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं, गाय भी हैं, बछड़े भी हैं, लेकिन जो बकरे हैं वो बहुत खूबसूरत किस्म के। एक बकरा जिसकी कीमत मुझे पता चली है कि वो 3 लाख है, उसके मालिक से पूछते हैं कि वो उसमें ऐसी खास क्या बात है कि इसकी कीमत 3 लाख है। मुझे बताएं कि इसको खिलाते क्या हैं आप? इसको दूध खिलाते हैं, चना खिलाते हैं, इसको दाना खिलाते हैं, इसकी बहुत खिदमत, जैसे बच्चे को पाले से इसकी खिदमत करते हैं। ये बकरा शरारती भी लग रहा है, हमारी ये तार खाने लगे। नहीं नहीं, ये शरारत नहीं करता, वैसे है तो गरीब है, शरारत कोई शरारत नहीं। अच्छा, तो इस जगह पे जानवर आप लेके आए हुए हैं, कितने पैसे दे रहे हैं? 1 किलो का 500 रुपया दे रहे हैं, 600 रुपये मांगते थे, 500 रुपये 1 किलो का दे रहे हैं। और 2 लाख क्यों कहा है आपने, इसकी कीमत इतनी ज्यादा? जो बाजी इसको दूध किलो खिलाते हैं, 1-2 किलो एक टाइम इसको दूध देते हैं, दाना 3 किलो 2 किलो इसको दाना देते हैं, इसके लिए पैसे तो मांगेगा, मेहनत भी है ना। तो ये इसके दांत वगैरह का क्या, वो दोंदा जो होते हैं बकरे? 3 साल का है, चौगा है, छिगा है। 3 साल वाले के कितने दांत होने चाहिए? 3 साल वाले 6 दांत होने चाहिए, 8 दांत होने चाहिए। ये हमारा अबू है ना, इसीलिए ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों मिला के 8? नहीं, कि ऊपर नहीं होते, नीचे होते हैं, देखो ना, ऊपर के दांत नहीं होते। नहीं, ऊपर नहीं होते दांत। ये मुझे पहली दफा पता चला कि बकरे के ऊपर के दांत नहीं होते। अब आगे चलते हैं और जो यहाँ पे और भी व्यापारी मौजूद हैं उनसे पूछते हैं कि वो अपने बकरों को क्या खिलाते हैं, उनके जो जानवर हैं उनकी कीमतें कितनी ज़्यादा हैं। तो आइए चलते हैं। बड़े बड़े लोग यहाँ पे अपने जानवर लेके आए हुए हैं, लेकिन एक बहुत छोटा सा व्यापारी भी यहाँ पे है और उससे पूछते हैं कि उसका नाम क्या है और उसका जो जानवर है उसकी कीमत कितनी है। आपका क्या नाम है? सिराज। सिराज, तो किस शहर से आए हो? रहीम यार। रहीम यार खान से। तो ये इसकी कीमत कितनी है? 70,000। 70,000 क्या ये? तो खुद पाला है तुमने? हाँ जी। क्या खिलाते थे? दाना, खीर और खाल खवाती है। तुम्हें ये पता है ये कुर्बानी के काबिल है अभी? को चौगा। चौगा है ये? नहीं, तो चौगा कितने साल का होता है? 1.5 साल का। शिराज, शुक्रिया, तुमने हमें बताया कि तुम इस बकरे को क्या खिलाते हो, क्योंकि आम बच्चों को तो ये बात पता ही नहीं होती। वो तो जब यहाँ से लेके ख़रीद के यहाँ से जाएंगे उनको तो तब पता चलेगा कि उन्होंने क्या खिलाना है। और अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि जो लोग ख़रीदने आए हुए हैं जानवर उनकी क्या राय है और प्राइसेस ज़्यादा हैं या बहुत ज़्यादा हैं इस दफ़ा। खरीदार भी हमें मिली गए जिन्होंने अभी अभी एक ऊन खरीदा है, उनसे पूछते हैं कि कितने का खरीदा है और क्या एक्सपेक्ट करके आए थे आपके कितने का लेंगे और अभी कितने में आपको ये ऊन मिला है? जी, एक्सेप्ट तो बहुत किया था लेकिन रेट मंडी के काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन माशाल्लाह हमें तो मुनासिब मिल गया, 2 लाख में मिल गया। मांग तो इधर 4 लाख भी रहे हैं, 5 लाख भी रहे हैं। रेट्स जो लास्ट ईयर थे या इस साल हैं उनमें कोई कितना फ़र्क है? उनमें तो इस दफ़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क है, जो 2 लाख का था इस दफ़ा 6 लाख मांग रहे हैं उसका, जो 6 का था। क्या वजह है इसकी? अब वजह तो ये व्यापारी बता सकते हैं, इनको शायद पैसे ज़्यादा चाहिए या क्या वजह ये बता सकते हैं हमें। तो कोई टैक्स वगैरह वाला इशू है वो तो नहीं? इसमें मंडी में कोई टैक्स लागू नहीं है, जो कह रहे थे टैक्स लग गया कुर्बानी, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस व्यापारियों ने अपनी रेट बनाए हुए हैं। जी, महंगाई बहुत है, बालते हैं, इसे पैसा लगाते हैं। थैंक यू सो मच। और ये फर्स्ट ख़रीदार है जो हमें मिले और अच्छी कीमत पे इनको मिल गया। अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि और लोगों ने क्या ख़रीदा है और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अभी एक और जानवर ख़रीदने के लिए यहाँ पे कोशिश की जा रही है, उनसे बात करेंगे। और एक बच्चा है जो कि कोशिश कर रहा है कि मैं भी जानवर ख़रीदूँ और अपने फादर के साथ यहाँ पर आया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? वालेकुम सलाम, मेरा नाम साउद राजा। साउद,
अच्छा साउद, आपको जानवरों का बहुत शौक है? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा तो बताओ कि क्या ख़रीदने आए हो, बकरा या गाय या ऊँट, किस चीज़ के लिए जहन से सोचा था घर से? बकरा लेने के लिए आए हैं। तो अभी तक कोई पसंद नहीं आया? अभी तक नहीं आया, देख रहे हैं फिर पसंद आएगा तो ले लें। पसंद क्यों नहीं आया? वो भी इतने महंगे दे रहे हैं तो। अच्छा, महंगा होने की वजह से वैसे पसंद आ गया? नहीं अभी पसंद नहीं आया, देख रहे हैं अभी आए हम। तो आपको क्या पता है कुर्बानी के जानवर के बारे में कि अगर ख़रीदने जाओ तो उसमें क्या चीज़ ऐसी होनी चाहिए कि हम तो खरीदना चाहिए? पता नहीं। दांतों वगैरह का सिलसिला होता है वो? होता है, दोंदा होता है जो, दोंदा लेना चाहिए। तो दोंदे के कितने दांत होते हैं? दो 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 दांत होते हैं। अच्छा, तो जब कुर्बानी हो जाती है फिर खाना भी नहीं खाते कि उसी का ये सालन बना हुआ है या कोरमा या बिरयानी जो भी बनी हुई है ये उसी जानवर की बनी हुई है? तो आपको कितना दुख होगा, थोड़ा सा या ज़्यादा? दुख नहीं होगा क्योंकि अल्लाह की राह ज़िबा होना है ना, खुशी होगी। हाँ जी। अच्छा, बहुत शुक्रिया साउद, आपने बताई चीज़ें भी बताई, बातें भी, और साउद को ये भी पता है कि जो दोंदा बकरा होता है उसके दो दांत होते हैं, मुझे ये बात नहीं पता थी। अच्छा, एक और बात, बकरे के ऊपर वाले दांत और नीचे वाले दांत दोनों होते हैं? नहीं, नीचे वाले। क्या? नीचे वाले दांत होते हैं। किसने बताया? यहाँ से नीचे से तो नहीं किसी ने? नहीं, पापा ने बताया। बताया आपको मतलब घर से? अच्छा, थैंक यू सो मच साउथ। और ये साउथ को देखते हैं कि बकरा मिलता है या नहीं, और बाकी हम आगे जाके देखते हैं कि और क्या कुछ हो रहा है यहाँ पे बकरा मंडी में। यहाँ पे चंद और खरीदार मुझे मिले हैं जो कि ऊन खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, और उनमें बच्चे जो हैं वो एक्साइटेड काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन पता नहीं अब ऊन खरीदा जाएगा भी या नहीं। आपका क्या नाम है? हरम। हरम, आप क्या खरीदने आए हो, ऊंट या बकरा या गाय? ऊंट। तो ये कैसा लगा? ये सारे सही हैं, पर वो ऊंची वो कह रहे हैं सही, वो क्या था, महंगे? हाँ वो कह रहे। आपका क्या नाम है? अहमद। अहमद, तो आपको ये ऊंट पसंद आया? आया, पर ये बहुत महंगे दे रहे हैं। अच्छा, कितनी प्राइस? ये कुछ 3 लाख, 4 लाख, 4.5 लाख, जितना मर्जी ये रेट बोल देते हैं खुद ही। तो ऐसी है जैसे वो पठान चीज़ें नहीं हाथ में पकड़ के आता, 2000 मांगता 200 में दे जाता है। अभी तो ये चढ़े हुए हैं आसमान पे, जब सैटरडे संडे आएगा ना तो फिर असल मार्केट का पता चलेगा कि इनकी पोजीशन क्या है। थैंक यू सो मच, आपने चीज़ें बताई। लोगों का ये कहना है, जितने भी ख़रीदार मुझे यहाँ पर मिले हैं उनका ये कहना है कि चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, कीमतें ये लोग अपने पास से लगा लेते हैं, ये नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो यहाँ पे उनके नुमाइंदे गवर्नमेंट के होने चाहिए जो यहाँ पे कीमतों जो है उनको देख सकेंगे कौन ज़्यादा कीमत लगा रहा है। एक लिमिट होनी चाहिए कीमत की, और बाकी इंतजाम उसी तरह के जिस तरह के पहले हैं। और अगर कीमतें ज़्यादा हैं इस दफ़ा, अगर व्यापारी ज़्यादा कीमतें बता रहे हैं, तो उसमें गवर्नमेंट का या टैक्स वगैरह का कोई लेना देना नहीं है। लाहौर में जितनी भी मवेशी मंडियां लगाई जाती हैं कुर्बानी के जानवर ख़रीदने के लिए, वो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर की जानिब से उनका इंतज़ाम किया जाता है। और मंडी फिरते हुए हमने देखा कि एक ऊँट जो है वो 2 लाख का ख़रीदा गया, वहीं पे एक बकरा जो है वो 3 लाख का मिल रहा है। तो कीमतों का ये जो डिफरेंस है ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ भी है, और अगर आप लोगों ने मंडी आके अभी तक विज़िट नहीं की और नहीं इंजॉय किया तो ज़रूर आएँ, ताकि आप लोगों को भी आटे दाल का भाव मालूम हो कि यहाँ आके कितना मुश्किल होता है जानवर ख़रीदना। घर में बैठ के जानवर का इंतज़ार करना और फिर उसका गोश्त बांटना लोगों के घरों में बहुत आसान होता है, लेकिन यहाँ आके जानवर तलाश करना, फिर व्यापारियों से उसका भावताव करना और उसके बाद उसको ख़रीद के घर लेके जाना, ये एक बहुत मुश्किल मरहला है। और अली और असद ने तो ये प्रैक्टिस की होगी, लेकिन आयशा ने यह मुझे लगता है कि कभी नहीं किया होगा। तो इसी तरह जो बाकी ख़वातीन घरों में बैठी होती हैं उन्होंने भी कभी ये एक्सपीरियंस नहीं किया होता, लेकिन मंडी आने का एक अपना ही अलग मज़ा है जो कि यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं उन्हीं को पता चल रहा है।